नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शेषपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो जी, अभी आज है हमारे घर में श्राद्ध, तो मैं उसी के खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा ये सब हो चुका है, मैं नहा चुकी हूँ, बस मैंने पूजा नहीं करी है, क्योंकि पूजा यही करेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो मंदिर में भी यही पूजा कर लेंगे। और जो मैंने सब्जी बनाई थी ना श्राद्ध वाले दिन, वो सब्ज़ी इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि वही पसंद ही ना आए तो फिर क्या बात। ना बोल रहे थे कि तूने मसाले थोड़े कम रखे हैं इस तरीके से, बल्कि मेरे को तो उन आलुओं का दोष लग रहा था। सही बताऊँ कि आलू ही अच्छे नहीं है, दरदरे से आलू हैं, जो कि स्वाद नहीं देते आलू वाला ना, इसलिए। और ये दूध ना परसों मंगा रखा था इन्होंने, तो वो बचा हुआ था, तो मैंने उसी को रात गर्म कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो दूध फट जाए और फिर सुबह सुबह दूध कैसे आएगा। इसलिए तो ये दूध बिल्कुल भी झूठा नहीं है, मतलब मेरा कहने का ये है। दूध को मैंने कल रात ही उबाल करके फ्रिज में रख दिया था, अभी ख़राब नहीं होना चाहिए इस वजह से। और यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट पीस लिए थे, उन्हें पीस करके मैंने डाल दिया दूध में। और अब मैं क्या करूँगी, जो चावल मैंने भिगो करके रखे थे ना, उनको भी दरदरा सा पीस लूँगी, क्योंकि जब मैं इस तरीके से खीर बनाती हूँ तो खीर ना एक तो बनती बहुत जल्दी है और दूसरा बहुत गाढ़ी गाढ़ी बनती है, मतलब अलग ही टेस्ट होता है खीर का ना। तो मुझे इस तरीके से खीर बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी जब आपके चावल बासमती हो ना, तो वो फिर बिल्कुल भी घुटते नहीं है, इसलिए तब तो मोस्टली मैं ऐसे ही बनाती हूँ। एक चावल आते हैं खीर वाले जो होते हैं ना, तो वो वाले चावल तो अच्छे से मैश हो जाते हैं अपने आप ही ना, तो उनको तो इतना ऐसे पीसने वीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें मैं कम पीसती हूँ, मतलब ना ऐसे उनको तो हाथों से जो वो भीग जाते हैं ना अच्छे से और फूल जाते हैं, तो उनको हाथों से क्रश कर दो ना, तो उसमें इतने टूट जाते हैं इसलिए। लेकिन ये वाले चावलों की खीर ना मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये चावल आपको और दूध आपको रहता है। कितने लोगों को ऐसी खीर अच्छी लगती है वैसे ना, कि भाई थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, घुटी घुटी खीर अच्छी नहीं लगती किसी को ना, पर मुझे ना ऐसे घुटी घुटी सी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर अच्छी लगती है, तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने पतीला चेंज कर दिया है, दूसरी गैस पे रख दिया है, क्योंकि अब मैं छोकूंगी सब्जी। तो आलुओं को मैंने पहले से छील करके और नमक डाल करके उबाल दिया था, तो मैंने उनको पहले टुकड़ों में कट कर लिया था, मतलब ना। और यहाँ पर अब मैंने चढ़ा दिया है तेल कढ़ाई में। और आज मैंने फिर 4-5 टमाटर लिए हैं, कल तो मैंने 2 या 3 टमाटर ही लिए थे, तो फिर मैंने सोचा भाई चलो सब्ज़ी पसंद आनी चाहिए, जब बना रही हूँ तो फिर स्वाद आना चाहिए ना, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पर 4-5 टमाटर लिए थे और 4-5 ही मैंने हरी मिर्च ली थी, जो कि लाल हो गई हैं उन वाले मिर्चों को मैंने ले लिया था, बस पीस दिया है। और थोड़ी सी तीखी रखूँगी सब्ज़ी, वैसे तो मैं बच्चों की वजह से ना तीखी कम रखती हूँ, क्योंकि फिर सोना नहीं खाती और नैना को भी तीखा इतना पसंद नहीं आता, और सच बताऊँ तो मुझे भी तीखा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो सिर्फ हमारे घर में तीखा खाने का शौक़ इन्हीं को है, तो फिर मैंने कहा चलो आज आपकी पसंद से बना देते हैं, थोड़ा तीखा रखते हैं इसलिए। तो देखते हैं भाई इनको आज सब्ज़ी पसंद आती है या नहीं आती। मैं तो अपनी पूरी जी जान लगा करके रोज़ ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई चलो हबड़ दबड़ में बना रही हूँ, नहीं, ऐसा तो रहता है कि भाई खाना टेस्टी बनना चाहिए, क्योंकि जब बना रहे हैं तो फिर अच्छे से बनाएं ना, इस वजह से। तो यहाँ पर अब मेरी खीर भी बन चुकी है और सब्ज़ी भी बन चुकी है, अब मैं खीर में डालूँगी शक्कर। तो कल ना मीठा, मतलब श्राद्ध वाले दिन मीठा कम रह गया था, तो आज मैं क्या करूँगी, थोड़ा मीठा ज़्यादा रखूँगी। मुझे लगा कि शायद जब हम चीनी डालते हैं ना, तो चीनी मैं जिस हिसाब से डालती हूँ खीर के अंदर, जितने मैं चावल लेती हूँ ना उतनी ही मैं चीनी लेती हूँ, मतलब मैंने अगर आधी कटोरी चावल लिए हैं तो मैं आधी कटोरी ही चीनी लूँगी, अगर एक कटोरी चावल लिए हैं तो एक कटोरी ही चीनी लूँगी। लेकिन शक्कर के साथ ना शायद थोड़ा ज़्यादा लगती है शक्कर, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा शक्कर लिया आज मैंने ना, क्योंकि उस दिन ना खीर थोड़ी फीकी फीकी सी लगी थी मुझे खाने में, और
मीठा खाने का शौक वैसे भी सिर्फ मुझे ही है घर में, इस वजह से भी तो थोड़ी सी मीठी होनी चाहिए खीर ना, बिल्कुल फीकी फीकी सी ना अच्छी नहीं लगती, इस वजह से। तो यहाँ पे वैसे मैं शक्कर की बना रही हूँ तो थोड़ा सा मीठा चल भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या है शक्कर ज़्यादा हो गई और पानी थोड़ा कम, तो एकदम ऐसे झाग झाग से हो गए थे ना, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो मैं इसे खीर में डालूँ और ये उफन करके सारी खीर बाहर निकल आए, तो फिर ना मैंने गैस बंद कर दी थी खीर वाली भी ना, कि भाई बाई चांस ऐसा हो ना जाए, मतलब मेरे को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो उफन करके सारी खीर ही बाहर निकल आए एकदम से, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया शक्कर वाला पानी सारा, और थोड़ा सा पानी अब मैं, क्योंकि शक्कर ज़्यादा थी आज तो थोड़ा लगा रह गया शक्कर इसके अंदर, तो थोड़ा सा पानी डालूंगी नॉर्मली, जग में से मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके और पूरा सारा पानी अब मैं खीर में डाल दूंगी। और अब मैं खीर को धीमी आंच पे 2 मिनट तक और पकने दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा कच्चा पानी भी डाल दिया है इस वजह से। तो यहाँ पर खीर भी बन करके तैयार है और आटा भी मैं लगा चुकी थी इस बीच, और पूरियाँ बनाऊंगी बस, और ये करेंगे पूजा। तो बस ये आ गए थे छत पर से, फिर इन्होंने आकर के नहाए धोए और यहाँ ये पूजा कर चुके हैं। तो ये देखिए ये खाना मैं दूंगी नैना को, क्योंकि पंडित जी को देकर के आओ ना मंदिर में तो वो ड्रम में डलवा देते हैं, इसलिए तो मैं तो नैना को ही दे देती हूँ खाने के लिए। तो बस खाना वाना खाने के बाद हम दोनों भी निकल लिए अस्पताल जाने के लिए, क्योंकि मुझे आज अपनी रिपोर्ट दिखा करके आना है। और ये रास्ते में मुझे गुस्सा कर रहे थे क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, डॉक्टर बैठती है 1 बजे तक और हमें 12 से ऊपर का टाइम मैं गई थी अस्पताल, लेकिन डॉक्टर बैठी नहीं। वो तो अच्छा हुआ मैंने रास्ते में फ़ोन कर लिया कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है। क्या करूँ, तू कहीं भी नहीं आ रही, ये आ रहा है यहाँ तक का एरिया आ रहा है बस, और तू इस एरिया से बाहर है। मैं कैसे लग रही हूँ ऐसी पीली पीली सी है, कैमरे में लग रही हूँ, कैसे लग रही ना कैमरे में लग रही हूँ पीली पीली एकदम, कैमरा बंद करके दो एक मिनट से ठीक करके नहीं चल रहने दे। हाँ तो डॉक्टर से पूछा अपॉइंटमेंट के लिए, तो फिर रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि मैम नहीं आई, कल भी फ़ोन करके आना, तो अब देखेंगे कब जाएंगे, क्योंकि कल नहीं आएगी तो कल तो जाऊंगी नहीं, परसों वैसे नहीं जा सकती क्योंकि परसों भी शराब है हमारे घर में, इसलिए ओहो। और मैं आज इसलिए सोच रही थी कि चली जाती हूँ ताकि बच्चों की छुट्टी आज ना, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी, बच्चे मेरे पीछे घर आएंगे, अब इनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी आए करेंगे, बहुत दिक्कत है। ओहो गर्मी तो बहुत हो रही है बाहर, गर्मी का पूछो नहीं। और मुझे देख के पुकी ने शिम बड़ा खुश हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ कहाँ बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है प्रेसिंग बोर्ड के पास, कपड़े प्रेस कर रही थी, छोड़ दी अब करूँगी। देखो शिम मैं आ गई, शिम मैं आ गई, ये आ गई। हाँ ये मेरे साथ जाने के लिए कर रहा था इसलिए मैं इसको चिढ़ा रही, देख मैं तो आ गई, शिमो शिमो हाँ ले, अच्छा ले शिम इधर आ, शिमो ए शिम देख गाय की रोटी वाला आ गया, मैंने पूछा उससे भैया उस गली में होके आ गया क्या, कह रहा नहीं अभी नहीं गया। शिमो शिमो अरे मैं दे दूंगी, तो क्या हो गया, नहीं डरा भी नहीं डरा, शिम शिम शिमो क्या हुआ, पुकी पुकी को मायरा से मिलना है, देखो कितनी बेचैन हो रही है, छोड़ दे छोड़ दे सोना छोड़ दे, देख ये देखो क्या हुआ, तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा रहा आज का दिन, जो काम सोचा था वो हुआ नहीं, यानी रिपोर्ट दिखा करके आनी थी तो डॉक्टर बैठे ही नहीं इस वजह से, तो यहाँ पर अभी ना दरवाजे पर कोई आया था तो पूगी परेशान हो रही थी,
कि बाहर कोई है उसको पता चल जाती है कि हाँ बाहर कोई है और दरवाज़ा खोलो, इस तरीके से करेगी। और मायरा के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जैसे ही मायरा की आवाज़ सुनेगी ना तो भौंकना स्टार्ट करेगी। वो भी बहुत ही अजीब तरीके से करती है, आवाज़ें निकालती है कि मतलब बाहर मायरा है उसको अंदर ले लो, इस तरीके से करेगी। मतलब ऐसा लगता है देख करके उसको ना कि वो मायरा को बुलाना चाह रही है अंदर। कितनी बार होता है मायरा की नीचे आवाज़ आएगी नीचे वाले फ्लोर पर, तो यहाँ परेशान हो जाती है कि भाई ये देखो कि मायरा है और मायरा को ऊपर बुलाओ, ऐसे करेगी। तो मायरा को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये देखो कुत्तों में भी कितना दिमाग होता है ना, मतलब किस तरीके से। एक दिन तो क्या हुआ, मैं एडिटिंग कर रही थी और मायरा मेरे साथ मतलब थी नहीं, मैंने आपको शायद बताया भी था कि उसकी आवाज़ पे वो रिएक्ट करने लगी थी कि मायरा कहाँ है, उसको ढूंढने लगी थी कमरों में जा करके, इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और यहाँ पर कुकी भी चली गई अपना आराम करने के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा।